السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. और खैरियत? खैरियत. अभी फजर हो चुकी है. अपन कहाँ पर जा रहे हैं भाई? ये बोल दो थोड़ा. तोंगाली मंडी जा रहे हैं. अभी पंजाब वाली मंडी जा रहे हैं कुछ अच्छे नगीने लाने के लिए. ये भाई लोगों तक अच्छा शौक हमारा पहुँचे भाई. बिल्कुल. हाँ देखे भाई, ये मेहनत चल रही है. रातों में उठ के निकल रहे कहाँ का माल लाने के लिए. अगर किसी को कुछ अच्छी चीज चाहिए तो इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट कर ले और वीडियो में बने रहे. अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ वल्लाह चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से होंगे? अल्लाह आपको खैर से रखे, खुशो आबाद रखे, हफ्जो अमान में रखे. वेलकम बैक टू माई चैनल MR गोड्स हैदराबाद. फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ. जैसे कि आप लोग को सबको पता था, हम तुम वाली मंडी निकल रहे थे. यानी पंजाब की बहुत ही फेमस और बहुत काफी बड़ी मंडी लगती है. यहाँ पर बहुत काफी लोग आते हैं दूर दूर से, अपने गांव देहात से बकरे लेके, और कुछ व्यापारी भी आते हैं जंगल वगैरह से बकरियां खरीद के. तो इंशाल्लाह ताला आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए सारी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा. बहुत अच्छी काफी मंडी होती है यहाँ पर. पंजाब और बर्बरियों की बीटल की नस्ल मिलती है. और इंशाल्लाह ताला चलो वीडियो में बढ़ते हैं. इंशाल्लाह आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा. अभी वीडियो में अभी फिलहाल पहुंचे माल आ रहा है. आप लोग देख रहे हैं गाड़ी में, वहां पर भी दिखा दीजिए इंटरेस्ट से. ठीक है, गाड़ी में अभी माल आने वाला है तो सारी वीडियो में बने रहे. इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए आगे बढ़ेंगे. अपना लाइव सौदा हो रहा देख सकते हैं आप लोग इस बकरी का. माशाल्लाह आप देख सकते हैं 22,000 रुपए की जोड़ी यहाँ से दिखी भाई, मंडी से. ठीक है, मंडी से 22,000 रुपए की जोड़ी दिखी है. आप चेक कर सकते हैं भाई, इसका ट्रांसपोर्ट भी है, खर्चे भी है. पहला नी जी गल करिए, 350 टोंगाली चो लगे 20,000 हूं पे डबा 20,000 से 350 से 20 का कितना फर्क है देखो. 8,000 इंशाल्लाह चलो फिर अब आगे बढ़ते जिला. कितने दांत पे? दो दांत पे. माशाल्लाह भाई देखिए, ये होती है नस्ल मेरे भाई. दो दांत पे हाइट क्या है? दो दांत पे 45 की हाइट भाई. मंडी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ जाऊंगा वगैरह. ऐसे मंडी में वगैरह मैं इतनी नहीं देखा. उस वजह से खुसूसन मालिक को आप लोग के सामने फेस ले इसलिए बात करे बोल के मालिक को आपके सामने लिया वगैरह का. और अरे हाँ भाई, दो दांत है, चार दांत अभी फोड़ रहा है बच्चा. 45 की हाइट पे. और वजन क्या आ गया बकरे का? वजन आप देखें माशाल्लाह मेरे हिसाब से इसका 100 किलो. 100 के ऊपर रहता है लंबाई. 45 हाइट का बकरा है, 100 के ऊपर रहता है. 100 किलो के ऊपर है. और बच्चे की झागड़ देखो माशाल्लाह भाई. देखो जगह देखो शेरा भाई, थोड़ा आप इधर आना वीडियो बनाने. बकरे को बताओ, बकरे को बताओ, सिर्फ बकरा बताओ. देखो सिर्फ बकरे का चेहरा देखिए माशाल्लाह. कानों के लिए 17 इंच. और अच्छा हाँ देखो कान भी देखो भाई, हैदराबादी की तरह कान माशाल्लाह. तो ये आप कीमत क्या कर रहे हो बकरे की? 3,00,000 रुपए भाई. मालिक कह रहे 3,00,000 रुपए. ठीक है, और 3,00,000 रुपए किस वजह से कह रहे हैं आप, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे भाई. ये बच्चा है. हाँ अभी 13 महीने का बच्चा है. अभी भाई ये 13 महीने का बच्चा है, 45 की हाइट है और 100 किलो के ऊपर है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के भाई पैसे मांग रहे भाई. ठीक है,
और पंजाबी में थोड़ी बात कर सकता था मगर कि आप लोग को समझ में नहीं आएगी उस वजह से नहीं कर रहा हूँ। आलम भाई को इजाजत दूंगा, आलम भाई थोड़ी बहुत पंजाबी सुन ले, आपके इधर के लोग देखेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। अमरीक सिंह जी, दो दंद बकरा है, अमरीक सिंह नाम का पिंड कड़ा जंडा वाली, और माशाल्लाह जी दो दंद बकरा है और काबिले तारीफ है माशाल्लाह, लेंथ वगैरह भी बहुत चंगी है बकरी की, और नक नगोड़ा देखो जी माशाल्लाह, अख देखो, झलर देखो, और सब तो वड्डी चीज है जी बकरे की लेंथ हाइट, और इंशाल्लाह बकरा संभालने वाला बंदा होए तो 50 इंच तो पार जाऊंगा बकरा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह 50 इंच का बकरा आराम से अगर सही देखभाली करने वाला हो तो। तो आलम भाई चलो ये भाई का चीज है, भाई तो 3 लाख रुपए मांग रहे, आप तो भाई लेने देने वाले हो ना, आप तो ट्रेडिंग भी कर लेते हो और शौक भी करते हो, तो 3 लाख रुपए जायज है ये बता दे। देखो शौकीन के सामने कुछ ज्यादा नहीं रहेगा ना, देखो शौक के लिए ज्यादा वाक्य से ब्रीडर लेके जाएगा जी, वो अपने हिसाब से कर लेगा ये बस, बार्गेनिंग ऐसी बात नहीं है जी जी, लेने वाला होना चाहिए। हाँ परसों में कोका भाई का वगैरह 2,30,000 रुपए का 47 के हाइट में बिका है, जबकि पूरे दांत कर दिया था, ये तो अभी बच्चा है, अभी खीरा बच्चा है, यानी खीरा मतलब दो दांत लगा दिया है, अभी तो जवानी भी और आएगी। हाँ जवानी भी आ गई अभी वो। हाँ माशाल्लाह चीज हो तो ऐसी हो ना, और ये पुरानी नस्लों के आल है रेड आइस, मैं बता दूं क्या भाई, जब पुरानी नस्लें आती थी आप लोग के पंजाब की, अब तो खत्म होने लग रही है, ये इसकी रेड आइस ही है ना वो जी। ठीक है सत श्री अकाल जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और धन्यवाद आप सब भाइयों का, भाई तो इंशाल्लाह चलो और बकरे बताएंगे और मालिकों से मिलेंगे भाई, बड़ा खुश तबीयत खुश कर दिया बकरा भाई मंडी में मिल गया माशाल्लाह। फिर और एक भाई के साथ हम लोग हाजिर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बेहतरीन चीज लेकर, सत श्री अकाल भाई जी। हाँ देखिए जैसे आप लोग उनके हाथ में देख रहे होंगे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नगीना लेकर, ये लो देखिए माशाल्लाह, कान देखो आप तबीयत खुश हो जाएंगे माशाल्लाह, ये देखिए भाई कितने होंगे कान आलम भाई, 18-19 रह सकते ना। हाँ माशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रीड है, माशाल्लाह पाकिस्तानी क्वालिटी की ब्रीड है। हाँ छोड़ दो कान छोड़ो, तो कुछ बातें करो भाई से तो इंशाल्लाह कुछ तजुर्बा हासिल हो। अदंत बच्चा है। हाँ अदंत गिरा बच्चा है, तीसरे नंबर पे पूरी मंडी में, तीसरे नंबर पे आया। अच्छा तीसरे नंबर पे मेला हुआ था। अच्छा कंपटीशन में। अच्छा तीसरे नंबर पे आया बच्चा। अच्छा मेले में कंपटीशन में तीसरे नंबर पे आया है। 7-8 महीने। अच्छा लंबान वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी है बकरे के अंदर माशाल्लाह, देखिए भाई चीज तो बड़ी प्यारी है, तबीयत ही खुश हो गई हमारी, बहुत नायाब है। हाँ बहुत प्यारी है, तीसरे नंबर पे आया ये मेले में, तो इस बकरे के लिए क्या बोलना चाहेंगे भाई को आप? हाँ भाई आलम भाई यही बोलना चाह रहे हैं भाई, ऐसी चीज संभाल के रखो क्योंकि इनके बच्चे लेके आगे दो, और ये भाई ये सेल भी नहीं करना है ना आपको, सेल भी नहीं करना है। हाँ भाई ब्रीडिंग के लिए खाली शो करने के वास्ते लाए यहाँ पर मंडी में, तो बहुत खुशी हुई भाई। आप कहाँ पर रहते? पंजाब रोड वाना वांदा। अच्छा और कब से ये बकरों का शौक आपको? बचपन से। अच्छा पहला। जी पहला बुजुर्ग। अच्छा आपके बुजुर्ग जमाने से है आपके बकरों का शौक, तो आपके घर पे कितने हैं जानवर अभी? अपने घर में है कितने जानवर है? अच्छा 20 जानवर तक है, तो ये आपके घर का ही पैदा हुआ बच्चा है। अच्छा ये शो के लिए ले गए, लोगों का शौक बढ़े, ठीक है इंशाल्लाह भाई जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, फिर मिलेंगे दोबारा। माशाल्लाह देखिए मंडी में बहुत काफी माल आया भाई, देखिए ऐसे बकरियां भी आती है क्रॉस में, यानी कटिंग पर्पस में भी कोई लेके जाते, कोई कम बजट वाले भी घर पे रखने वाले भी पालने लेके जाते, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूपी का बाड़ा है, ये यूपी आगरा मथुरा से लोग आते हैं, ठीक है बरबरियाँ खरीद के लेके जाते हैं, ये लोग अपने गोट फार्मिंग में सेल करते हैं, ठीक है देखो बीटल वगैरह, ठीक है यहाँ से पंजाब के हर मंडी में आते हैं लोग लेके जाते हैं, देखो वो साहेब है ये माल खरीद के लेके जाकर वहाँ पर आगरा में सेल करते, ठीक है। और मैं बकरा खरीदने के बाद एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर बकरा जब परचेस हो जाता, परचेस होने के बाद
ये बिल्टी काउंटर है, ठीक है। बकरा खरीदने के बाद ये काउंटर है, यहाँ पर बिल्टी बनती है और खरीदारी 100 रुपये देना और बेचने वाला 100 रुपये देना, 200 रुपये की बिल्टी बनती है। अगर बकरे वाले का अगर बकरा नहीं बिका तो कुछ भी नहीं देना है, बकरा बिका तो यहाँ पर बिल्टी कटा के जाना जरूरी है। अगर नहीं कटाया हुआ तो चेकिंग वाले रहते आके वहाँ पर फाइन पड़ जाएगा, ठीक है।